नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। ओवर द टाइम मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स रिसीव करे हैं जहां मुझे ये पूछा गया है कि हम अपने नए किचन को सेटअप कर रहे हैं, हम बैचलर हैं या फिर अभी अभी हमारी शादी हुई है, सो वी डोंट नो हाउ टू सेलेक्ट द बेसिक किचन टूल्स या फिर जो आइटम्स होते हैं एवरीडे कुकिंग को और ईज आउट करने के लिए। सो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में मेरा एक्सपीरियंस, कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें एवरीडे किचन में यूज़ होती हैं उन्हें किस हिसाब से चूज़ करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले किचन में कॉमनली यूज्ड आइटम कढ़ाई की बात करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो खाना नहीं बनाया जा सकता है। मेरे पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कढ़ाई हैं और डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से मैं इन कढ़ाइयों का इस्तेमाल करती हूँ। एवरीडे यूज़ के लिए मैं इस छोटी स्टेनलेस स्टील कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें 3 से 4 लोगों के लिए खाना एवरीडे ईजली बनाया जा सकता है। इसका बेस सैंडविच्ड है तो इसमें हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, खाना बिल्कुल नहीं जलता है। फ्लैट बेस होने की वजह से इसे इंडक्शन में भी ईजली यूज़ किया जा सकता है। ये है एक कास्ट आयरन की कढ़ाई और इसको भी मैं एवरीडे कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ। इसमें ईजली 3 से 4 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। इसमें खाना बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो आपको सिलिकन ग्रिप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें खाना बनाते टाइम अगर आप खाना चलाना भूल जाएँ तो भी इसके बॉटम में खाना बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो ये 2 कढ़ाई हैं जिनको मैं एवरीडे कुकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये है ट्रिपल प्लाई स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई। जब भी मुझे ग्रेवी वाला खाना, छोले या राजमा बनाना होता है तब मैं इस कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ। इसमें 4 से 5 लोगों के लिए खाना ईजिली बनाया जा सकता है। हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और खाना बिल्कुल नहीं जलता है। दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रिपल प्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। जब भी हमारे घर में गेस्ट आ रहे होते हैं तब मैं इस बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही साथ आप लोहे की कढ़ाई भी अपने पास रख सकते हैं डीप फ्राइंग के लिए या पूरी वगैरह तलने के लिए। कढ़ाई एकदम परफेक्ट होती है। जब भी आप लोहे की कढ़ाई लोकल मार्केट से परचेज करें, ध्यान रखें कि उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो, अदरवाइज़ अगर आप इसमें सब्ज़ी बनाते हैं तो खाना डेफिनेटली चिपकेगा। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कढ़ाई हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये है पापड़ जाली। आपको मार्केट में 2 तरह की जालियाँ मिलती हैं गैस के ऊपर रखने के लिए, जिसे हम रोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है ये स्पाइरल वाली जाली, जिसमें आप देखोगे कि गैप काफ़ी ज़्यादा है। उसी के साथ साथ एक जाली ये भी आती है जो कि बहुत ही फाइन नेट है। आप इन दोनों ही जालियों में बहुत आराम से पापड़ को भून सकते हैं। लेकिन चटनी बनाते टाइम अगर आप मिर्च या लहसुन को रोस्ट कर रहे हैं तो ये जो स्पाइरल वाली जाली है, गैप ज़्यादा होने की वजह से इसमें से चीज़ें नीचे गिरती रहती हैं, जिसकी वजह से जलने के चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन ये जो फाइन नेट वाली जाली है, इसमें आप बहुत आराम से छोटी सब्जियों को भी ईजिली रोस्ट कर सकते हैं टमाटर के साथ साथ। आटा लगाने के लिए अच्छी परात का होना ज़रूरी है। मेरे पास 2 तरह की परातें हैं, एक साइज़ में छोटी है और एक बड़ी है। जब भी आप परात को खरीद रहे हों, ध्यान रखिएगा कि आप हल्की परात जो कि लाइट वेट हो उसे बिल्कुल ना खरीदें। ये स्टेनलेस स्टील की हैवी परात है तो इसमें आटा लगाते टाइम परात बिल्कुल भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है। काफ़ी बड़ा बेस है तो नीडिंग के टाइम पे मुझे अच्छी तरीके से स्पेस प्रॉपर मिलता है। अगर आपके पास में इस तरीके से बड़े डोंगे वाली परात है तो इसका इस्तेमाल आटा गूंदने के लिए बिल्कुल ना करें, क्योंकि नीचे बेस नहीं होता है और नीडिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ये है छोटी परात जिसे मैं एवरीडे 3 से 4 लोगों के लिए आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगैन, इसका भी बेस थोड़ा बड़ा है तो इसमें नीडिंग काफ़ी आराम से हो पाती है। तो जब भी आप परात को चूज़ कर रहे हों, मेक श्योर करिए कि थोड़ी हैवी परात और इस तरीके से फ्लैट बेस वाली परात का ही चयन कर रहे हैं। रिसेंटली आई हैव रिसीव दिस मामर्थ नीम मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, जिसके अंदर है टी ट्री ऑयल एंड नीम एक्सट्रैक्ट। टी ट्री ऑयल हैज़ द एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज विच सूदेज योर स्किन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इरिटेशन। नीम एक्सट्रैक्ट होने की वजह से इसमें एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आती हैं। इट प्योरीफाइज द स्किन एंड कीप्स इट हेल्दी। Mamaearth's product are free from any harmful chemical. They're all natural. You can use my code, which is DECOR2024, to get an extra 20% off at Mamaearth.in. अगर recently आपने Mamaearth के किसी offline store से कुछ shopping करी है तो मुझे comment section में ज़रूर बताएं।
जब भी हम अपना नया किचन सेटअप करते हैं, हम शायद मिक्सिंग बोल्स को इंक्लूड करना भूल जाते हैं। चाहे आपको दाल या फिर राजमा छोले सोक करने हों, या फिर सब्जियों को काट के रखने के लिए, आप जब इधर उधर किसी बर्तन को धोते हैं तभी मिक्सिंग बोल्स काफ़ी ज़्यादा हैंडी आते हैं। मेरे पास सिरेमिक और स्टेनलेस स्टील के मिक्सिंग बोल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन डोंगों की। आई डोंट नो आप इसे क्या बोलते हैं, बट जब भी हम छोले कुलचे बनाते हैं तो मटर को मिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी आता है। ये भी एक और स्टेनलेस स्टील का डोंगा है जिसे मैं सैलेड या फिर कोई भी चीज़ जैसे कि छोले वगैरह मिक्स करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ। मिक्सिंग बोल्स ऐसे चूज़ करिए जो एक के अंदर एक अच्छे तरीके से स्टैक हो पाए। ये भी मिक्सिंग बोल्स हैं जिसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया था और आप सबके साथ शेयर भी किया था। इन मिक्सिंग बोल्स के अंदर दालों को भिगोना हो या फिर लेफ्ट ओवर फूड को स्टोर करके रखना हो ईजिली किया जा सकता है। इसके साथ में लिड भी मिलती है एंड इसे साथ के साथ एक के ऊपर एक स्टैक करके आराम से स्पेस भी सेव हो जाता है एंड सर्विंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी आते हैं। ये सेरेमिक के मिक्सिंग बोल्स हैं। सो बेसिकली ये मिक्सिंग बोल्स नहीं हैं, ये माइक्रोवेव सेफ कंटेनर्स थे जिसके साथ में लिड भी थी, बट ओवर द टाइम लिड इधर उधर मिसप्लेस हो गई। सो मैंने इनको मिक्सिंग बोल्स की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें आप बहुत आराम से चटनी या फिर लेफ्ट ओवर फूड को फ्रिज के अंदर स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे पास दो इस तरीके के बड़े सेरेमिक के बोल्स भी हैं जिन्हें मैंने होम सेंटर से परचेज़ किया था। ये माइक्रोवेव सेफ हैं, तो जब भी मुझे ज़्यादा सब्ज़ी बनाई खाने को बार बार रीहीट करना है तब मैं इन बोल्स का यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये सारे ही मिक्सिंग बोल्स जो हैं सेरेमिक वाले, वो माइक्रोवेव सेफ हैं। जब भी आप स्पून्स, लैडल्स या फिर स्पैचुलास परचेज करते हैं, ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील वाले स्पून्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। वुडन स्पून्स ओवर द टाइम थोड़े से ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप इस वुडन स्पून को देखेंगे, काम करते करते ये क्रैक भी हो जाते हैं, कलर भी इनका ख़राब होता है और साइड से ये जल भी जाते हैं और फिर इनकी क्वालिटी ख़राब होती है एंड जो भी इसके पार्टिकल्स हैं वो आपके फूड के अंदर भी लीच होते हैं। तो मेरे घर में सिर्फ ये दो ही वुडन स्पून्स हैं जिन्हें मैं आप बहुत जल्दी डिस्कार्ड ही करने वाली हूँ। दूसरी तरफ ये जो स्टेनलेस स्टील स्पून्स हैं, ये थोड़े महंगे ज़रूर आएंगे लेकिन दे आर वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि आपके इस तरीके के कास्ट आयरन यूटेंसिल एंड स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स दोनों में काम करते हैं। वुडन स्पून्स भी आपके दोनों टाइप के यूटेंसिल में काम करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई भी नॉन स्टिक यूटेंसिल नहीं है, तो मैं वुडन स्पून्स अपने पास ज़्यादा नहीं रखती हूँ। स्टेनलेस स्टील के ये जो भी स्पैचुलास हैं वो काफ़ी अच्छे से इन दोनों टाइप के यूटेंसिल्स में काम कर देते हैं। अगर आप बेकिंग करते हैं तो सिलिकन स्पून्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, अपने किचन के अंदर इन्हें भी इंक्लूड किया जा सकता है। अब आपको मार्केट में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकन स्पून्स मिलते हैं। अगर हम पहले स्पून की बात करें तो इसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक वाला होता है और इसके जो लीव्स होते हैं वो डिटैचेबल होते हैं, तो कभी कभी काम करते टाइम ये जो प्लास्टिक वाला हैंडल है वो गैस में जल सकता है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और इसका ये जो लीफ है वो काम करते टाइम कभी कभी निकल जाता है और इसके अंदर गंदगी यानी फूड पार्टिकल स्टक हो सकते हैं। लेकिन दूसरे टाइप का जो आपको सिलिकन ब्रशेज़ या स्पून्स मिलते हैं उसमें कोई भी तरीके का जॉइंट नहीं होता है एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैंडी और इसको क्लीन करके अच्छे से मेनटेन किया जा सकता है। अब इन स्पून्स को आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल जब भी आप सब्ज़ी बना रहे हों कढ़ाई के अंदर, या फिर इस तरीके से जब हम चटनी बनाते हैं। चटनी को हाथ से या स्पून से स्टील के निकालना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन ब्रश की हेल्प से आप बहुत आराम से सारी की सारी चटनी को स्क्रेप कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज। ऑयल डिस्पेंसर्स को चूज़ करते टाइम ध्यान रखिए कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। नीड के अकॉर्डिंगली इसके साइज़ को चूज़ करिए। जैसे 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स के लिए 1 लीटर का ऑयल डिस्पेंसर इज़ मोर देन इनफ। ये ग्लास का है तो इसे ईजिली गीले कपड़े से पोछा भी जा सकता है। ये काफ़ी पुराना ऑयल डिस्पेंसर है जिसके बारे में मुझे बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं। दिस इज़ फ्रॉम फेमोरा ब्रांड और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 लीटर से ज़्यादा ऑयल इसमें बहुत ईजिली से स्टोर हो जाता है, हैंडल का ग्रिप काफ़ी अच्छा है और ऑयल को पोर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब भी हम ग्लास के ऑयल डिस्पेंसर्स चूज़ करते हैं तो हमारे पास एक और बेनिफिट होता है कि हम इसे ईजिली देख सकते हैं कि ऑयल अभी कितना हमारा बचा है। ये एक और ऑयल डिस्पेंसर है जिसके अंदर मैं मस्टर्ड ऑयल को स्टोर करती हूँ। इसे मैंने होम सेंटर से लिया था। जब इसका कैप मैं ओपन करती हूँ थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है, बट इसे हम ईजिली किसी भी क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं।
दिस इज अगेन अ ऑयल डिस्पेंसर, इसे भी मैंने रिसेंटली होम सेंटर से परचेज किया है। जब भी हम डीप फ्राइंग करते हैं तो जो ऑयल थोड़ा सा गंदा हो जाता है उसे छानने के लिए, स्ट्रेन करने के लिए इसमें एक स्ट्रेनर भी दिया हुआ है, जिससे कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे जार में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। इसको अभी मैंने यूज़ नहीं करा है, बट इसे मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छे साइज़ का ऑयल डिस्पेंसर ढूंढ रही थी, सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ में इसे भी शेयर करूँ। अब इसे इस तरीके से ओपन करके डायरेक्टली ऑयल स्पून से लेकर के आप पराठे या कोई भी चीज़ अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सबके साथ में 3-in-1 प्रेशर कुकर के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप नया किचन सेटअप कर रहे हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगेन, इसका जो बॉटम है वो सैंडविच है, ये स्टेनलेस स्टील का है और इसका शेप एग्जैक्टली एक हांडी या फिर कढ़ाई जैसा है। तो इसे आप चाहें तो सब्ज़ी बनाने के लिए, जो आपकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है बनाते हैं उसके लिए भी आप इसे विदाउट लिड इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ में आपको इस तरीके का एक ग्लास लिड भी मिलता है। स्टीम पास होने के लिए इसमें एक होल भी दिया हुआ है, तो जब भी आपको पुलाव वगैरह बनाने हो जिसमें आपको प्रेशर कुकर का लिड नहीं लगाना है, विसल वाला, तो आप इसको यूज़ करके भी वेजिटेबल पुलाव या बिरयानी बहुत आराम से बना सकते हैं। क्योंकि इसका शेप बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप इसे डायरेक्टली सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में एक स्ट्रेनर भी आता है, राजमा बॉयल करे एक्सेस वाटर है उसे हटाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल मैं इस कुकर का इस्तेमाल जब मुझे मल्टीटास्किंग करनी होती है तभी करती हूँ। टिप, जब भी आप प्रेशर कुकर स्टोर करके रखते हैं लिड को इस तरीके से उल्टा करके रखें, इससे आपका गैस्केट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके का प्रेशर कुकर हम सबके घर में मिल जाता है। जब भी आप प्रेशर कुकर को बंद करते हैं खाना बनाने के लिए, विसिल हटाएं, प्रेशर रिलीज करें और उसके बाद में इसमें विसिल ऐड करें, इससे सेफ्टी और ज़्यादा ऐड हो जाती है। मार्केट में आपको बहुत तरीके के चकले मिल जाते हैं, मार्बल, स्टेनलेस स्टील, वुडन, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि चकला थोड़ा सा भारी होना चाहिए। जब मैंने इस चकले को ख़रीदा था इसके बैक साइड में 3 लेग्स लगे हुए थे। ओवर द टाइम वो लेग धीरे धीरे टूट गए तो मैंने सारे लेग्स हटा दिए एंड देन आई हैव रियलाइज्ड कि वही चकला परचेज करना चाहिए जो थोड़ा भारी हो और उसके बॉटम में कोई भी तरीके के लेग्स ना लगे हों, क्योंकि उससे चकला बिल्कुल भी नहीं खिसकता है। अगर चकला फिर भी खिसके तो आप इसके नीचे कपड़ा लगा सकते हैं। रिसेंटली आई गॉट दिस सिलिकन मैट फॉर माई मदर, क्योंकि जब हम भटूरे बनाते हैं और भटूरों का साइज अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो चकले में नहीं बन पाता है, तब ये मैट बहुत ही ज़्यादा हैंडी आती है। स्पेशली पूरी या कचौरी बनाते टाइम जो हम एक्स्ट्रा पूरियों को बेल के रखते हैं उनके लिए आपको अलग से इस तरीके से प्लेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैट के एक साइड में बिली हुई पूरियाँ या फिर कचौड़ियाँ बहुत आराम से रख सकते हैं, ड्राई फ्लावर भी रख लें, और इस सिलिकन मैट में आप जब पूरियाँ बेलते हैं तो चिपकती नहीं है। मेरी भाभी और मेरी मदर दोनों ने ट्राई करा एंड दे सेड कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप डायरेक्टली काउंटर टॉप पे बनाते हैं तो काउंटर टॉप गंदा होता है। दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय।